हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज के एपिसोड नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द ब्लड ग्रुप्स। बट बिफोर दैट, व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हैविंग द फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ईच एंड एवरी सेल एंड टू कलेक्ट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एवरी सेल एंड द टिश्यू। तो ब्लड का मेन काम क्या होता है? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को ईच एंड एवरी सेल एंड ईच एंड एवरी टिश्यू तक ट्रांसफर करना एंड टिश्यू एंड सेल के अंदर जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसे कलेक्ट करना। तो आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि ब्लड ग्रुप्स कितने होते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास ए बी ए बी एंड ओ, ये चार ब्लड ग्रुप्स अवेलेबल है। बट इसमें से एक रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप भी है जिसका नाम हम एंड ऑफ द स्लाइड देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला ब्लड ग्रुप, फर्स्ट ब्लड ग्रुप इज ब्लड ग्रुप ए। जब हम ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं तब इस ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन होता है वो होता है ए एंड उसके अंदर एंटीबॉडी होती है बी। सो हम कह सकते हैं ब्लड ग्रुप ए कंटेन एंटीजन ए एंटीबॉडी बी। तो ए ब्लड ग्रुप किससे ब्लड रिसीव कर सकता है? अगर उसको ब्लड की मात्रा उसके बॉडी में कम हो जाती है, क्वांटिटी किसी रीजन के कारण कम हो जाती है, तो उस केस में ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन किससे ब्लड रिसीव करेगा? ही कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम ब्लड ग्रुप ए एज वेल एज ब्लड ग्रुप ओ। अगर किसी दूसरे पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है या उसका ब्लड ग्रुप ओ है तो उस केस में ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन उससे ब्लड रिसीव कर सकता है। एंड अगर ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन ब्लड को डोनेट करना चाहता है तो वो किसे दे सकता है? वो ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन को भी दे सकता है एंड जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसे दे सकता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के पास उसके ब्लड के अंदर एंटीजन होता है ए, एंटीबॉडी होती है बी, एंड वो किससे ब्लड रिसीव करेगा? आइदर ए और ओ। एंड किसको ब्लड दे सकता है? आइदर ए और ए बी। दूसरा है ब्लड ग्रुप बी। अब ब्लड ग्रुप बी की केस में क्या होता है? एंटीजन होता है बी एंड एंटीबॉडी होती है ए। तो जिस भी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी रहेगा उसके ब्लड के अंदर एंटीजन होगा बी एंड एंटीबॉडी होगी ए, तो वो किससे ब्लड रिसीव करेगा? ही कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम ब्लड ग्रुप बी और ओ। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है या किसी और पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है तो उन दोनों से वो ब्लड रिसीव कर सकता है। बट अगर इसे ब्लड किसी को डोनेट करना है तो वो किसे देगा? आइदर ब्लड ग्रुप बी और ए बी, बस इन दो लोगों को वो अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। तीसरा है ब्लड ग्रुप ए बी। अब इसके ब्लड के अंदर एंटीजन होता है ए एंड बी बट एंटीबॉडीज टोटली एब्सेंट होता है। तो ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है ना, ये किस किस से ब्लड रिसीव कर सकता है? देखो, ब्लड ग्रुप ए बी कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम ब्लड ग्रुप ए बी ए बी एंड ओ। तो हमारे जो चार बेसिक ब्लड ग्रुप है उन सबसे ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप है वो सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है। बट अगर इसे ब्लड डोनेट करना है तो वो सिर्फ ए बी वाले ब्लड ग्रुप को ही डोनेट करेगा। मतलब ये ब्लड लेगा सबसे लेकिन देगा सिर्फ अपने वाले पर्सन को। तो ए बी वाला ब्लड ग्रुप सिर्फ ए बी वाले को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। लेकिन अगर उसको ब्लड की मात्रा कम हो जाती है उसके बॉडी के अंदर तो उस केस में वो ए बी ए बी एंड ओ इन सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है। इसके बाद है ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ अगर उसके बॉडी में ब्लड की मात्रा कम हो जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ओ वाले ब्लड ग्रुप से ही ले सकता है। तो जिस भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ रहेगा उसके बॉडी के अंदर अगर हमें ब्लड को इन्फ्यूज करना है तो उस केस में हमें ब्लड ग्रुप ओ ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप ओ वाला पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपना ब्लड देना चाहता है तो वो किसे दे सकता है? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। मतलब ये एक यूनिवर्सल डोनर है, ये सारे ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है। बट अगर इसे ब्लड की कमतरता हुई तो ये लेते वक्त सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ से ही ब्लड लेगा। तो इसके फीचर्स क्या है? इस केस में एंटीजन ए एंड एंटीजन बी दोनों एब्सेंट रहते हैं बट एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों प्रेजेंट रहते हैं। तो ये रीजन है जिसके कारण ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ही ब्लड रिसीव करेगा। एंड अगर डोनेट करना है तो ब्लड ग्रुप ए बी ए बी एंड ओ सबको डोनेट कर सकता है। एंड द लास्ट एंड द बेस्ट जिसका हमने सस्पेंस रखा था,
वो है हमारा बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है इसकी खासियत क्या है, इसके ब्लड में एंटीजन नहीं होते हैं, ना ए होता है ना बी होता है, और इसके साथ एक प्रिकर्सर भी होता है जिसको बोलते हैं एंटीजन एच, वो भी नहीं होता है। तो इस पर्सन के ब्लड के अंदर एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी एंड एंटीबॉडी एच तीनों होते हैं, और इसी रीजन के कारण बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला पर्सन सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ही ब्लड रिसीव करेगा, और ये वन ऑफ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप पाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये देते वक्त किसे दे सकता है, इट कैन डोनेट ब्लड टू ए बी, ए बी एंड ओ, मतलब फंक्शन इज सिमिलर टू ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप जैसा ही है, बट फर्क इतना है बॉम्बे ब्लड ग्रुप में जो एंटीबॉडी होती है वो होती है ए बी एंड एच, एंड ओ ब्लड ग्रुप में होता है एंटीबॉडी ए एज वेल एज एंटीबॉडी बी। तो ये छोटा सा फर्क है बिटवीन ओ ब्लड ग्रुप एंड दिस बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्यों बोला है, इन 1952 मुंबई को बोला जाता था बॉम्बे, तो उस वक्त वहां पे डॉक्टर थे वाई एम समथिंग, उनका नाम था, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, बट उन डॉक्टर को ये पता चला कि एक ऐसा रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप मिला है कि जो जिसके अंदर एंटीबॉडी ए बी एंड एच तीनों प्रेजेंट है, तो ये पहली बार मुंबई में डिस्कवर हुआ, दैट्स वाई उसको नाम दिया गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप। उन साइंटिस्ट, उन डॉक्टर का नाम था डॉक्टर वाई एम भेंडे, तो इन्होंने इस ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी। तो बच्चों याद रखना है हमारे पास टोटल कितने ब्लड ग्रुप हैं, ए बी ए बी ओ, एंड रेयरेस्ट रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।